बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो टुडेज आवर टॉपिक इज मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, यूमेसी। अच्छा, कोशिश की मुताबिक उर्दू में गलायूं जी, तो मतलब वो जिके दोस्त हो जनता जा वे ब्या वो भी समझी सकन, कुछ सिंधी भी गलाइंदा सी। अच्छा, यू नो सबसे पहले आपसे एक चीज जो है वो पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट डज इट मीन बाय, इसका मतलब क्या है? जी ओके जी मिस रुबामा, तां बतायो, आप बताएं। अच्छा सही, ओके शाबाश। मैटरनल रिकॉग्निशन का जो एक्चुअल मतलब है, यानी माँ को पता कैसे चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माँ को वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन। मुख्य तो ढो मजो ही, बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक को डिस्कस करने में भी, मजो ही ढो तम इंजॉय कौ होपफुली। So, first of all, how the mother knows about her pregnancy? Maa ko pata kaise chalta hai ki she is pregnant? Hai na question? Misal ke taur pe, Rubama jo hai, wo jab maa ke pet ke andar thi, jab inka conceptus bana, yani जिस पोजीशन में ये आ जाए, जाहिर है उस टाइम तो इतनी सी नहीं होगी ना, एक सिंगल सेल होगा इनका जायगोट, जिसे आप कॉन्सेप्टस कहते हैं। तो इनकी मम्मा को पता कैसे चला कि शी इज इनसाइड माय वोम और मुझे उसे जो है वो अबॉर्ट नहीं करना या हरकत नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना, और इसके इसको 9 माह यहाँ पर रहना है, 9 माह 9 दिन या जो भी टाइम पीरियड इसको यहाँ पर रहना है ताकि टाइमली ये मुझे मिल सके और ये आज आपके सामने बैठी हुई है। तो आज वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो रिमेंबर, इससे पहले कि यहां पर मैं जाऊं, एक नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे होता किस तरह है, स्पेशली इन रूमिनेंट्स। द सीएल ऑफ द रूमिनेंट प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन। रूमिनेंट का जो सीएल है वो ऑक्सीटोसिन बनाता है और वो ऑक्सीटोसिन दैट स्टिम्युलेट्स एंडोमेट्रियल सेल्स टू सिंथेसाइज PGF2 अल्फा। रूमिनेंट का सीएल, रूमिनेंट्स का कार्पस ल्यूटम, उसका काम क्या है? रूमिनेंट का जो कार्पस ल्यूटम है उसका काम क्या है? रूमिनेंट के कार्पस ल्यूटम का काम है ऑक्सीटोसिन को बनाना। ओके, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग या एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करेगा। क्यों करेगा? यस, बात करें, छोकन दो उनके स्टिमुलेट। नो, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो PGF2 अल्फा बनाए। अब हमें पता है, नाउ दिस इज क्लियर, कि द प्रोडक्शन ऑफ PGF2 अल्फा डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स अवेलेबल। समझ रहे हैं बात को? यानी PGF2 अल्फा का जो बनना है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स कितने हैं, और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स कहां पर होंगे? जहां पर ऑक्सीटोसिन एक्ट कर रहा है, यानी कि एंडोमेट्रियल सेल्स के यहां। और ये कब होता है? ड्यूरिंग द स्ट्रेस साइकिल, जब स्ट्रेस साइकिल चल रही होती है, मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेन दीज रिसेप्टर्स आर सफिशियंट इन नंबर, किसके रिसेप्टर? ऑक्सीटोसिन के। अगर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर सफिशियंट हैं तो क्या होगा? देयर विल बी मच मोर ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज्ड, मच मोर ऑक्सीटोसिन विल एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियल सेल्स एंड द रिजल्ट द एंड रिजल्ट विल बी द पल्सेटाइल सिक्रेशन, और आप कह सकते हैं
ज्यादा से ज्यादा पीजीएफ 12 का जो है वो सीक्रेट होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, नाउ दिस मैकेनिज्म, आज अभी ये जो सारी बात हम करके आए उसको थोड़ा मैं अगर उसको समराइज करूं, हमने क्या कहा, हमने कहा कि नॉर्मल जो साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि रूमिनेंट्स की स्पेशली बात करें, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है पीजीएफटी अल्फा की सिंथेसिस को. ऑक्सीटोसिन किसे स्टिमुलेट करता है? पीजीएफटी अल्फा की सिंथेसिस को. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो पीजीएफटी अल्फा नहीं बनेगा, और जब पीजीएफटी अल्फा बनेगा तो क्या करेगा पीजीएफटी अल्फा, कोई बताएगा मुझे? नो, पीजीएफटू अल्फा का काम है सीएल को तोड़ना, यानी टू रिपीट द साइकिल, यानी इस साइकिल दोबारा से रिपीट होगी. मसलन डे 17 पर पीजीएफटू अल्फा बन रहा है और डे 21 पर आपको पता है कि साइकिल फिर से, अगर काउ की बात करें तो 21 दिन की जो है वो इनकी इस साइकिल होती है, बाद में रिपीट हो रही है. अच्छा, अगर प्रेगनेंसी प्रोसीड होनी है तो क्या होना है? दिस मैकेनिज्म, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ऑक्सीटोसिन का ये रिसेप्टर बनना, ऑक्सीटोसिन का एंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्टिमुलेट करना, बाद में पीजीएफटू अल्फा का बनना, इस सारे मैकेनिज्म को ब्रेक लगानी होगी, रोकना होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस मैकेनिज्म मस्ट बी इनहिबिटेड, या दिस मैकेनिज्म मस्ट बी stopped. For what purpose? In order to proceed the pregnancy. Are you getting my point? तो इस mechanism को जब तक हम prevent नहीं करेंगे तो मतलब system कर रहा है naturally. जाहिर सी बात है हमारे हाथ में कुछ है, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है. तो this mechanism must be prevented for the successful pregnancy. ये तो एक normal चीज थी. मैंने कहा ना कि अगर उस normal जो estrous cycle है जब तक आप उसको प्रेवेंट नहीं करेंगे, जब तक वो प्रेवेंट नहीं होगी तो प्रेगनेंसी जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि पीजीएफटू अल्फा अगर प्रोड्यूस हो गया तो उसी एक तोड़ेगा, उसी एक टूटा तो प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है वो चला जाएगा, और जब वो प्रोजेस्टेरोन चला जाएगा तो क्या होगा, मतलब फेल्यूर ऑफ द फुल टर्म प्रेगनेंसी. क्लियर? आगे चलते हैं. अच्छा, अभी समझिएगा, अभी ये चीज आएगी, ये जो क्वेश्चन है अभी इसका जो है यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है. आने तो स्नोपुटर एमआरपी मतलब मैटरनल रिकग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस मस्ट टेक प्लेस बिफोर यूटिलाइसिस टू मेंटेन प्रेगनेंसी. समझ रहे हो बेटा बात? इससे जरूर जरूर होना है एमआरपी को ल्यूटियोलाइसिस से पहले. ल्यूटियोलाइसिस क्या है? वेरी गुड, शाबाश. ठीक है, द एमआरपी जरूरी थे बिफोर ल्यूटियोलाइसिस इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेगनेंसी. अच्छा, आई विल आस्क, मां पूछूं तो छो छो ये छो मजा. अगर सीएल टूट गया तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहां से मेंटेन? तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है एमआरपी का, मैटरनल रिकग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे पहले होना है, बिफोर ल्यूटियोलाइसिस. ल्यूटियोलाइसिस हो गई तो फिर ये एमआरपी किस काम की है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे पहले होना है बिफोर यूटिलाइजेस टू मेंटेन प्रेगनेंसी. और मुख्तलिफ जानवरों के अंदर ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है, डिस्कस करते हैं यहां. अच्छा, इन द शीप एंड काउ, इन द शीप एंड द काउ, एमआरपी मस्ट अकर बिफोर यूटिलाइजेस टू मेंटेन प्रेगनेंसी इन द शीप एंड द काउ. शीप और काउ के, हाँ, ब्लास्टोसिस्ट का आपको पता है बैल लाइक स्ट्रक्चर, मोरूला ब्लास्टूला, ये स्ट्रक्चर है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस. बिल्कुल, इन द शीप एंड काउ द ब्लास्टोसिस्ट
सीक्रेट्स अ मटीरियल दैट ब्लॉक्स, किसको ब्लॉक करता है? द सिंथेसिस ऑफ यूटेराइन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। हमने पहली बात की कि इस मैकेनिज्म को प्रिवेंट करना है, रोकना है फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। अब यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोकेंगे किस तरह, नेचर इसको किस तरह, नेचर ने प्लान किया उसको वो रोक रहा है। अगर काउ चू की बात करें तो क्या होगा, वो जो कंस्ट्रक्टर है, सिंपली ब्लास्टोसिस्ट द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है दैट विल सीक्रेट मटीरियल, उस मटीरियल को बाद में बताता हूं कि वो कौन सा मटीरियल है, दैट ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ यूटेराइन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। वो क्या करेगा, यूटेराइन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की ब्लॉकेज करेगा। देन अच्छा हमें पता है कि वो जो यूटेराइन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है जब वो ब्लॉक हो गए तो ऑक्सीटोसिन एक्टिव नहीं करेगा, और जब ऑक्सीटोसिन एक्टिव नहीं करेगा तो क्या होगा, यस पीजीएफ अल्फा नहीं बनेगा, और पीजीएफ अल्फा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी, सक्सेसफुल होगी। अगर पीजीएफ अल्फा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी जी, यस पीजीएफ टू अल्फा इज द किलर ऑफ द सीएल, पीजीएफ टू अल्फा कातिल है किसका, सीएल का, और सीएल को तोड़ता है तो क्या करता है, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी खत्म। ठीक, तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड द सिग्नल टू प्रिवेंट ल्यूटोलाइसिस, वो मटीरियल क्या है, वो मटीरियल सीमेंट है, बजरी है, रेती है, क्या है वो जो वहां पर जो है वो डंडो गई चली गया होते हैं, वो मटीरियल है क्या, स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जिनको हम टाओ प्रोटीन्स कहते हैं, इंटरफेरॉन टाओ प्रोटीन्स जिनको कहते हैं, अभी आएगा। तो वो सिग्नल्स देती हैं टू प्रोवाइड टू प्रिवेंट ल्यूटोलाइसिस। ओके, दीज प्रोटीन्स वर वंस कॉल्ड OTP1 एंड BTP1 इंटरफेरॉन्स। इन प्रोटीन्स को पहले कहा जाता था इंटरफेरॉन्स, OTP1 एंड BTP1। आगे बताता हूं कि ये क्या है, किस तरह इंटरफेरॉन्स क्या है, ये कौन बताएगा, दीज। अच्छा अगर सिंपली हम बात करें या अगर वायरोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर इंटरफेरॉन्स, दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वायरली इंफेक्टेड सेल्स। जो वायरली इंफेक्टेड सेल्स होते हैं वो खुद तो इन्फेक्ट हो चुके हैं, खुद तो बेचारे मरने वाले हैं, लेकिन वो मरते मरते अच्छा काम क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, उनका एंटीवायरल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में उनका रोल होता है। समझ लो बेटा बात को, यानी जो वायरली इन्फेक्टेड हाई इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जब वो मरने वाले होते हैं तो वो मरते मरते हमें अच्छी चीज लेकर जाते हैं इंटरफेरॉन्स। दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, वो भी लिखा है मैंने यहाँ ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दीज आर द साइटोकाइंस, इम्यून सेल हार्मोन्स भी इसको कहते हैं, दे आर सेक्रेटेड बाय मेनी सेल टाइप्स इंक्लूडिंग WBC, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स दैट आर बेस्ट नोन फॉर देयर एबिलिटी टू व्हाट, टू इनहेबिट वायरस रेप्लिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर? ठीक है, तो ये होती है नॉर्मली इंटरफेरॉन्स। बिकॉज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोटीन्स, क्योंकि हम यहां पर MRP को डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से, बिकॉज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोटीन्स कौन सी हैं, OTP1 एंड BTP1, जिनको हम स्पेशल प्रोटीन भी कह रहे हैं, दे कंस्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ इंटरफेरॉन, देयरफॉर दे आर नाउ रेफर्ड टू एज, अब उनको नाम दिया गया है कौन सा, ओवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स एंड बोवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स। आर यू गेटिंग, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक सेपरेट क्लास है प्रोटीन्स का, तो अब उनको कौन सा नाम दिया गया है, अब उनको नाम दिया गया है ओवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स एंड बोवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स। क्लियर? तो ये है। अच्छा, तो MRP इन द काउ एंड शी, यानी मैटरनल, यानी जो काउ है, जो गाय है, जो शीप है, शीप के चाचा नाम हम सिंधी में रेड, तो वो जो रेड है, तो ये जो काऊ के अंदर
या शीप के अंदर, गाय के अंदर, या आप कह लें क्या, बिल्कुल भेड़ के अंदर। तो शीप के अंदर किस तरह एमआरपी होती है, कौन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल? ओवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इज प्रेजेंट इन द यूटेरस फ्रॉम डे 30 to 21। समझ रहे हैं, यानी कि वो जो साइकिल 21 दिन की होती है, ये प्रोटीन्स ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, या सिंपली आप कह लें ट्रांसेप्टर्स की, जो अंदर मसलन अब बात करें अगर ये काऊ होती युवा में, अगर ये काऊ का बच्चा होता, अगर ये अपना बिल्कुल, अगर ये काजी साहिबा जो है वो शीप का बछड़ा होती है, तो क्या होता, ये कॉन्सेप्टस होता ना वहां पर, तो वहां पर क्या हो रहा था उस टाइम पर, वहां पर इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स जो थी वो बन रही थी। कौन बना रहा था? इन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, यानी अल्टीमेटली हम कहें सिंपली कर लें तो कॉन्सेप्टस। और वो कब प्रेजेंट उनका होना लाजमी था? यस, बिटवीन डे 13 to 21 आफ्टर ओव्यूलेशन। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, इन दिनों के बाद अगर होती तो क्या होता, बाद में अगर ये प्रेजेंट होती पहले क्यों प्रेजेंट थी? यस, क्लियर, शाबाश, गुड, बता चुका फर्स्ट लाइन के अंदर, क्योंकि इनका इन दिनों के अंदर होना लाजमी है टू प्रिवेंट ल्यूटियोलाइसिस या फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। जी जी जी, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द सीएल इज नॉट एनहांस्ड बाय द इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स एंड नॉट ल्यूटियोट्रोपिक। डिड यू गेट इट? यानी देखो, सीएल प्रोजेस्टेरोन हाई इज नॉट एनहांस्ड बाय इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स एंड इज नॉट ल्यूटियोट्रोपिक। यानी सिंपली मकसद यह हुआ, ये जो प्रोटीन्स हैं, बेटा इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स जो हैं, ये क्या हैं? दे आर नॉट ल्यूटियोट्रोपिक, यानी ये सीएल को फेवर नहीं करती। समझो तो आगे निकाल के, हाँ, यस यस, क्लियर, दे आर नॉट फेवरिंग दी सीएल, या दे आर नॉट सिंथेसाइजिंग दी सीएल, दे आर नॉट मेंटेनिंग दी सीएल, यानी अल्टीमेटली दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन। बट दीज प्रोटीन्स, इनका काम क्या है? ये प्रोटीन्स इनहिबिट कर रही हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को। आर यू रेडी? इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा। ओवाइन इंटरफेरॉन टाउ प्रोटीन्स बाइंड्स टू द एंडोमेट्रियम, ये क्या करती हैं? एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाती हैं एंड इनहिबिट ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स सिंथेसिस बाय एंडोमेट्रियल सेल्स। वो जो एंडोमेट्रियल सेल्स बना रहे हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स, ये उनको रोक देती हैं। अगेन वही चीज कि इन ब्लड व्हेन यू चेक द ब्लड, मसलन रोबामा को किसी ने कहा कि इनकी अम्मा का जो है वो ब्लड का सैंपल ले लो, ठीक है, और ब्लड सैंपल ले लिया, अगर वो 17 to 20 days, मसलन हम काऊ की बात कर रहे हैं, 17 to 20 में दिनों के दरमियान अगर हमने ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल के अंदर ये प्रोटीन्स यानी टाउ प्रोटीन्स ओवर इन फ्रॉम टाउ प्रोटीन्स नहीं है, व्हाट डज इट मीन? नो प्रेगनेंसी, मींस देयर इज नो गुड न्यूज, देयर इज नो गुड न्यूज, ओके, बैड न्यूज, ओके, आई क्या होता था? एमआरपी इन द साउ, साउ की मां को, चलो वो तो हमने कहा कि अपना शीप और काऊ की मां को किस तरह पता चला, काऊ और शीप की मां को, अब साउ की मां को किस तरह, साउ अच्छा साउ ये, वेरी गुड, तो साउ की अम्मा को किस तरह पता चला कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूं, खाली जो है वो सिर्फ जो है वो अपना थोड़ी ही होती है, क्या कहते हैं, शीप और काऊ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है इन द नॉन प्रेग्नेंट साउ? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी लोब एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द सीएल दैट विल प्रोमोट पीजीएफ2 अल्फा सिंथेसिस बाय द यूटेराइन एंडोमेट्रियम।
again repeating, in the non-pregnant sow, non-pregnant sow के अंदर ऑक्सीटोसिन जो होता है, in the non-pregnant sow, ऑक्सीटोसिन from the endometrium or from the posterior pituitary lobe and CL, that oxytocin will promote PGF2 alpha synthesis by the uterine endometrium. Yane, simply, non-pregnant sow ke andar oxytocin jo hai, wo kahan se release hota hai? Ek endometrium se, dusra pituitary se, aur tisra CL से. और ये क्या करता है? वही काम, promotes the PGF2 alpha synthesis by the uterine endometrium. Okay? अच्छा, अब क्या होगा? Now this is physiology, समझिएगा. PGF2 alpha बन गया. Now what will happen? This PGF2 alpha will diffuse by the concentration gradient. ये PGF2 alpha अब diffuse होगा. किस तरह? कैसे? By the concentration gradient. Okay? कहां पर आएगा? Towards the capillaries. और फिर capillaries के बाद it will drain into the uterine vein. Capillary के बाद कहां जाएगा? It will drain into the uterine vein and then it is transported to the ovary and causes luteolysis. और ये cause करेगा क्या? Luteolysis. थोड़ा समझिए. अच्छा, ये समझिएगा diffusion gradient ये क्या होता है. चलो, ये तो पता चला कि non-pregnant sow के अंदर फुलां 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 ने, सीएल ने, एंडोमेट्रियम ने, पिट्यूटरी ने किसको बनाया? ऑक्सीटोसिन को. उन्होंने प्रमोट किया पीजीएफ2 अल्फा की सिंथेसिस को, यानी पीजीएफ2 अल्फा बन गया. अब क्या होगा? वहां से पीजीएफ2 अल्फा कैसे आ रहा है? अब उसका रूट कौन सा है? रास्ता क्या है? समझ रहे हो बेटा बात को? कौन से रास्ते से वो पहुंच रहा है, आ रहा है? कहां पर? ओवरी के यहां. क्यों? ताकि वहां पर आए और सीएल को, सीएल को खत्म करे, सीएल को तोड़ दे, यानी कि ल्यूटिलाइसिस करवाए. तो वो रास्ता क्या है? जब पीजीएफ2 अल्फा वहां पर बन गया, अब पीजीएफ2 अल्फा डिफ्यूज होगा थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस को. अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हो तो जहां पर भी ग्रेडियंट का वर्ड आएगा मींस डिफरेंस, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस. अब चूंकि वहां पर पीजीएफ2 अल्फा उन्होंने बनाया है, सीएल ने मसलन बनाया है, तो वहां पर पीजीएफ2 अल्फा ज्यादा है, तो वो डिफ्यूज होगा, कैपिलरीज में आएगा. ठीक है बेटा? कौन सी कैपिलरीज? शाबाश, एंडोमेट्रियल कैपिलरीज. उन कैपिलरीज में आया, बाद में कहां पर आएगा? वहां से ड्रेन होकर यूटराइन वेन में आएगा और वेन के बाद इट विल ट्रांसपोर्टेड कहां जाएगा? टू द ओवरी. और क्या करवाएगा? ल्यूटियोलाइसिस. और ये हमने किसकी बात की? नॉन प्रेग्नेंट साओ की, यानी वो साओ जो प्रेग्नेंट नहीं थी. चलो, यहां तक अगर समझ गए हैं तो आगे भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्रेग्नेंट साओ? अब प्रेग्नेंट साओ वाले केस में क्या हो रहा है, आइए उसको डिस्कस करते हैं. अगर आपने ये नॉन प्रेग्नेंट को समझ लिया है तो प्रेग्नेंट को समझना कोई मसला ही नहीं. प्रेग्नेंट में क्या होता है कि एस्ट्राडियोल That will re-root. क्या? Re-root. किसको करेगा re-root? और PGF2 alpha को बना कौन रहा था? आपको पता है, endometrium. तो ये उसको re-root करेगा. अच्छा, first of all the question is, ये estrogen कहां से आ रहा है? ना? मज़र? ये estrogen अभी आ रहा है blastocyst से. Conceptus. इस एस्ट्राडियोल को कौन बना रहा है? ब्लास्टोसिस्ट. तो इन द प्रेग्नेंट साओ क्या होगा? द ब्लास्टोसिस्ट विल प्रोड्यूस द एस्ट्राडियोल. ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा एस्ट्राडियोल और वो एस्ट्राडियोल क्या करेगा? दैट काजेस द पीजीएफ2 अल्फा टू बी रीरूटेड. ये पीजीएफ2 अल्फा को रीरूट करेगा. इसका मतलब क्या है? यानी उसको भटकाएगा, रास्ता उसका जो है वो चेंज करेगा. वो जो उसका रास्ता है ना, क्यों चेंज करेगा? क्योंकि जानवर प्रेग्नेंट है और यहां पर ये PGF2 अल्फा का रास्ता इसलिए चेंज कर रहा है ताकि ये ओवरी तक ना पहुंच सके और प्रेगनेंसी हो जाए, शाबाश, और ल्यूटियोलाइसिस ना हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इंटरेस्टिंग है कि देखें एस्ट्रोजन क्या कर रहा है। एस्ट्रोजन और कुछ नहीं करता, उसको उसको चेंज कर रहा है, उसके रास्ते को चेंज कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि उसको भटका रहा है। उनके भटकाए तो उनके मतलब भटकाए तो चले बाबा, ना 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 समझो ये चीजों को था, वो शैतान है, उसको जो सीधी रात सीधा जो रास्ता है उससे जाने नहीं दे रहा। नहीं, उसे कह रहा है नहीं ये वाला रास्ता अच्छा, यहां से जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एस्ट्राडियोल विल री रूट द पीजीएफ टू अल्फा। ओके नाउ अब समझिएगा प्लीज, लाइक द साइक्लिक काउ, प्लीज लाइक द साइक्लिक काउ, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सीएल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एंड द प्रेग्नेंट साउ। यानी जिस तरह काउ के अंदर ऑक्सीटोसिन बनता है ना बेटा, आप पूछ सकते हैं ना कि सर वहां पर तो ऑक्सीटोसिन बन रहा था वो, और वो ऑक्सीटोसिन जो है वो अपना क्या कर रहे थे, वो फिर एंडोमेट्रियम को जो है वो अपना स्टिमुलेट कर रहा था कि पीजीएफ टू अल्फा बना। तो वो यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर काम खराब कौन करता है? एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल उसको उसके रास्ते को चेंज कर देता है। चलो, देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस दे एग्जिस्ट इन द एमआरपी कंपेयर टू द काउ एंड शीप। दो मेन डिफरेंसेस हैं जो कि काउ और शीप की एमआरपी में थे। देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस, कौन से हैं देखिए प्लीज। सबसे पहले है बेटा द कंसेप्ट ऑफ द पिग प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। द कंसेप्ट ऑफ पिग प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ही है जो कि दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमआरपी, दैट सिग्नल्स द एमआरपी। और एस्ट्रोजन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कौन बना रहा है? शाबाश, ठीक है। एस्ट्रोजन कर क्या रहा है? यस, शाबाश, एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी गुड। एस्ट्रोजन सिर्फ रास्ता उसका चेंज कर रहा है, और जब रास्ता चेंज हो जाएगा तो वो कहीं और जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा बात को? कहीं और होकर डिस्ट्रॉय, जो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। कौन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? पीजीएफ 12। शाबाश शाबाश, मतलब अन्या रोजन का पोजो का एनर्जी अच्छी हुई। तो पीजीएफ 12 अल्फा इज प्रोड्यूस्ड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी बट रीरूटेड। शैतान बनता ज्यादा है, बहुत बहुत होता है, लेकिन जो है वो उसका जो है वो रास्ता वो चेंज हो जाता है। आदमी अच्छा है बहुत, लेकिन रास्ता जो है वो भूल गया है, भटक गया है। और किसने भटकाया है? एस्ट्राडियोल। क्लियर? ठीक है। द कॉन्सेप्ट सीक्रेट्स एस्ट्राडियोल बिटवीन डे 11 एंड 12। वहां पर कौन से दिन थे शीप और काउ में? 17 बिल्कुल, या 17 कहते हैं या 13 कह लें, 13 से 21, यहां होते हैं 17 से 21, और यहां पर 11 एंड 12। तो यहां पर कॉन्सेप्टस ने एस्ट्राडियोल को इन दिनों में बनाना है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन डज नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ पीजीएफ टू अल्फा। अगेन इंटरेस्टिंग, यानी एस्ट्रोजन का बनना जो है वो पीजीएफ टू अल्फा के बनने को नहीं रोक रहा, लेकिन क्या कर रहा है? उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्लियर बेटा? उसकी डायरेक्शन को, उसके रूट को जो है वो चेंज कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, शाबाश। नाउ एमआरपी इन द मेयर, ठीक है। एमआरपी इन द मेयर, मेयर के हां एमआरपी किस तरह होती है? मेयर निठिया, हाँ वही 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 वही, मैट्रणी था जी। तो इन द मेयर द प्रेजेंस ऑफ कंसेप्टस प्रिवेंट्स यूटिलाइजेस। मच इंटरेस्टिंग, यहां पर कोई सिग्नल विग्नल कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्टस का होना ही ल्यूटिलाइसिस को रोक रहा है, ठीक है। किस तरह? देखिए प्लीज। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्टस एंडोमेट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पीजीएफ टू अल्फा इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। यानी मेयर वाले केस में अगर कॉन्सेप्टस होगा तो पीजीएफ टू अल्फा की जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी यहां पर ये मेयर लगता है काजी फैमिली से ताल्लुक रखती है, इतनी खतरनाक है मेयर का बच्चा, इतना खतरनाक है कि इसका होना ही काफी है, होना ही काफी है। एक्सलेंट, शाबाश,
अच्छा लफ्ज दिया। कॉन्सेप्टस क्या करता है? कॉन्सेप्टस ऑफ मेयर, ये काजी बच्चा करता है ऐसा क्या है कि जो है पीजीएफ टू अल्फा की प्रोडक्शन, दिस कॉन्सेप्टस इज ट्रांसलोकेटेड ओवर द एंडोमेट्रियल सरफेस बाय यूटेराइन कंट्रैक्शन। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्टस ट्रांसलोकेट होता है। ट्रांसलोकेट का जब मैंने ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में देखा कि वर्ड अच्छा क्या होगा या मुनासिब, तो उन्होंने लिखा है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह चेंज करता है। कभी जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गया, कभी जो है वो सदर की चेयर पे बैठ गया। तो ये कॉन्सेप्ट ट्रांसलोकेट करता है, डिस्प्लेस होता है ओवर द एंडोमेट्रियल सरफेस। किस तरह, कौन करता है इसको डिस्प्लेस? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वही। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्टस मस्ट मेक एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट। लेकिन कॉन्सेप्टस का जो कॉन्टेक्ट है, उसका जो रब्त है, उसका जो राबता है, उसे मजबूत होना है विद द एंडोमेट्रियम सरफेस। क्यों? टू इनिशिएट एंड कंप्लीट एमआरपी, एमआरपी को शुरू करने के लिए और उसको जो है वो तोड़ तक पहुंचाने के लिए। समझ रहे हैं बेटा बात को? तो क्लियर हुआ कि इन केस ऑफ मेयर किस तरह हो रहा है? आगे चलते हैं, अभी भी है। द कॉन्सेप्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन हॉर्न टू एन अदर। ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमें पता है ना भाई, एंडोमेट्रियल जो यूट्रस होता है। अच्छा, एक चीज आपसे अभी पूछूंगा, हाँ बुधा मुख्य मेयर वट कड़े टाइप जो यूट्रस हों, शाबाश, पर उनका टाइप है ना पंजो यूट्रस जा केड़ो आ इनमें मेयर में? किडनी से भी वहा तो ओवरी कहना तो नहीं मजर रिपीट न था क्यों पुटर मां यूट्रस जो शेप पे पूछा हूं उन जो ओवरी जो कौन पे पूछा उसकी शेप पूछ रहा हूं कि मेयर का टी शेप, लेकिन कौन सा टाइप ऑफ यूट्रस होता है मेयर में? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिप्लेक्स, कौन सा? बायपार्टाइट टाइप ऑफ यूटरस। रिपीट नहीं करते ना, बेटा रिवाइज करें ना, रिवाइज न करो तो पुत्र को विसरी विधि नहीं है ना, क्यों डाल दू? तो वहां पर बायपार्टाइट यूटरस होता है। द कॉन्सेप्ट इज मूव्ड, और हमें पता है बायपार्टाइट कॉन्सेप्ट में अपना सॉरी यूटरस में हॉर्न्स तो होते हैं। तो द कॉन्सेप्ट इज मूव फ्रॉम वन हॉर्न टू एन अदर। दिस मूवमेंट मस्ट टेक प्लेस बिटवीन, कौन से दिनों में होनी चाहिए? अभी देखिए ना, यहां पर भी कंडीशन है, चलो मूव तो करें कॉन्सेप्ट, लेकिन कौन से दिनों में ज्यादा करें? बिटवीन 12 एंड 14 टाइम्स पर डे ड्यूरिंग डे 12, 13 एंड 14, यानी 12वें, 13वें और 14 डेज पर इसने क्या करना है? मूव करना है। ठीक है, कितनी बार? तकरीबन 12 से 14 टाइम्स ये जो है ये मूव करता है। क्यों करता है? इन ऑर्डर टू इनहेबिट पीजीएफ टू अल्फा। जी हाँ, बिल्कुल बार बार करता है, इतने टाइम्स करता है ये रोजाना, लेकिन कौन से दिनों में? 12, 13 एंड 14। बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगेन आपसे क्वेश्चन, इन दिनों में क्यों, इन दिनों में एमआरपी क्यों हो रही है? मतलब डेफिनेटली एमआरपी हो रही है, क्यों हो रही है इन दिनों में? बाद में हो जाती क्या होता? यस यस, दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ल्यूटियोलाइसिस, मतलब ल्यूटियोलाइसिस से बचने के लिए एंड फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ठीक है, द इंट्रायूट्राइन मूवमेंट ऑफ इक्वाइन कॉन्सेप्टस। अब क्लियर है? थोड़ो क्लियर है ना, अन्य थो ओके बिस्मिल्लाह प्लीज। द इंट्रायूट्राइन मूवमेंट ऑफ इक्वाइन कॉन्सेप्टस इज नेसेसरी। क्यों क्यों नेसेसरी है? बिकॉज द कॉन्सेप्टस डज नॉट एलोंगेट, क्योंकि इसका कॉन्सेप्टस
मेयर का कंसेप्टस वो एलांगेट नहीं होता, स्ट्रेच नहीं होता एज इन केस ऑफ अदर स्पीशीज, तो इसलिए इसकी इंट्रायूट्राइन मूवमेंट जो है वो लाजिम है. देयरफॉर देयर इज लेस कंसेप्ट सॉरी देयर इज लेस कॉन्टेक्ट बिटवीन द कंसेप्टस एंड एंडोमेट्रियल सरफेस. इस वजह से यहां पर कॉन्टेक्ट जो है वो, क्योंकि मूवमेंट होती रहती है तो वो कम होता है बिटवीन द कंसेप्टस एंड एंडोमेट्रियल सरफेस. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप लोगों की बात बारी है बेटा. एमआरपी इन द वुमेन, वहां पर किस तरह, मतलब इंसानों के अंदर अम्मा को कदीर खान जी अम्मा की खबर की है भाई ही जो सो मु भी पुट मुझो हाँ पेट में आए हाँ मैं जो सो कुछ क्या कैसे. एमआरपी इन द वुमेन, एमआरपी इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन फीमेल इज प्रोवाइडेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड एचसीजी. एचसीजी क्या है? एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. सुना है एचसीजी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. एचसीजी हैज अ ल्यूट्रोट्रॉपिक इफेक्ट. अब आप समझ गए एचसीजी का कौन सा इफेक्ट है, इसका क्या मतलब है? मिस खान ज्यादा आप बताएं. मिस ओबामा, ओ आई मीन ओबामा जी, शाबाश. यानी दिस फेवर्स दी सीएल, ये सीएल को फेवर करता है. ठीक है, अच्छा इफेक्ट है इसका सीएल के ऊपर. एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का तो आपको पता होगा मुझसे ज्यादा. एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन डे 7 to 9 आफ्टर ओव्यूलेशन, जब इम्प्लांटेशन होती है वो तकरीबन डे 7 to 9 आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी या तो 7वें दिन पर होगी ओव्यूलेशन के बाद या 9 डेज पर. द कंसेप्टस ऑफ अ ह्यूमन फीमेल दैट विल सीक्रेट दैट विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. दिस इज एलएच लाइक हार्मोन, यानी ये जो हार्मोन है दिस एक्ट्स लाइक एलएच, यानी दिस एक्ट्स लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और हमें पता है एलएच क्या करता है, मगर क्या कह दो आप एलएच बियो कम प्रेगनेंसी ये क्या बात समझते हो? LH luteinizing hormone. What does it mean? Luteinization means this is responsible for the maintenance of the CL, formation of the corpus luteum. Simply, you come out. This is an LH-like hormone that acts on the CL to inhibit, जो कि CL पर जो है अपना काम दिखाता है. किसके लिए? टू इनहेबिट इंट्रा ओवेरियन ल्यूटोलाइसिस, ताकि जो इंट्रा ओवेरियन ल्यूटोलाइसिस है, इंट्रा ओवेरियन ल्यूटोलाइसिस है वो ना हो सके. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, यहां पर मैं इंट्रा ओवेरियन ल्यूटोलाइसिस की बात कर रहा हूं, इंट्रा यूटेराइन ल्यूटोलाइसिस की बात क्यों नहीं कर रहा, कौन बताएगा वाई? यूटरस तो होता है ना खुदा जा बंदा, इंट्रा ओवेरियन क्यों कह रहे हैं जी? बता रुबामा काजी सवाब खटाना ही आ जा जी. जी बेटा ना जी नो 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 एनीबडी एल्स थिंक थिंक प्लीज रिकॉल. चलो आपको हिंट देता हूं, रिकॉल द मेनस्ट्रुअल साइकिल, रिपीट भी नहीं की है ना. रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन मेनस्ट्रुअल एंड इस्ट्रस साइकिल. चलो
चलो एक चीज और बताता हूँ आपको, मैंने बताया था बल्कि पढ़ा चुका हूँ मेनस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल के डिफरेंस में कि व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, PGF2 अल्फा इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड इन केस ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल PGF2 अल्फा कौन बनाता है? ओवेरियन PGF2 अल्फा। यानी मेनस्ट्रुअल साइकिल में जो ल्यूटियोलाइसिस PGF2 अल्फा करवाता है वो ओवेरियन PGF2 अल्फा होता है। इसलिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया है कि दिस एक्ट लाइक LH हार्मोन दैट एक्ट्स ऑन CL टू इनहिबिट इंट्रा ओवेरियन ल्यूटियोलाइसिस। इसका मतलब ये है कि यानी वो जो ओवरी से PGF2 अल्फा आएगा और ल्यूटियोलाइसिस करवाएगा ये उसको रोकता है। इज इट क्लियर नाउ? इसलिए कहता हूं बेटा थोड़ा पढ़ा करें, ठीक है? क्लियर हो गया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर MRP किस तरह हो रही है? चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ कुतिया के अंदर और बिलिया के अंदर, ठीक है, और बिली के अंदर जो है वो किस तरह MRP हो रही है, ठीक है बेटा? वो भी तो माएं बनती है ना। अरे माओ रुको, माड़न जो थोड़ी हूं जो माओ, माएं तो जो है बेटा वो जानवरों की भी होती है ना। कमाल, मतलब एक अजीब, आपने कभी देखा है कि कभी उसको देखें आप जो है मुर्गी होती है उसके बच्चे होते हैं, अगर कोई कवा आ जाए काव अचे उन्हें से जो आसू रुगो खाण की करे तो अच्छी उनके पोया भजंदी है बल्कि वेहन की कोशिश करती है ठूंगा लगाई है। तो माएँ तो सब की होती है और कुतिया की भी माँ है अम्मा है, उसकी भी जो है वो बिल्ली की भी अम्मा है, ठीक है। MRP, दिस MRP does not require a signal from the conceptor. यहां पर सिग्नल की जरूरत ही नहीं, कोई सिग्नल नहीं चाहिए। चलो बताऊं या पहले आपसे पूछूं, आप क्या समझते हैं कि क्यों जरूरत नहीं? जी बेटा सिंपल है, ल्यूटियोलाइसिस क्या है बिच के अंदर अगर बात करें वो होती है एट द एंड ऑफ नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड, या इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ डाईस्ट्रस इज क्वाइट सिमिलर टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। बिच वाली ईस्ट्रस साइकिल में हम पढ़ के आए कि जितना जितनी डाईस्ट्रस की लेंथ होती है, जितना डाईस्ट्रस का पीरियड होता है उतना ही गेस्टेशन पीरियड का लेंथ। दस द CL इज नॉट डेस्ट्रॉइड, CL इज नॉट लाइफ अंडर नॉर्मल कंडीशन, और इस वजह से CL नॉर्मल कंडीशन में टूटता ही नहीं। चलो देखते हैं अब भला, ठीक है, ठीक है, और CL तब ही टूटता है when the gestation complete. So MRP does not require a signal from the conceptor. In the bitch के यहाँ the CL of pregnancy and the CL of the cycle, यानी कि इस पर साइकिल की बात करें, दोनों की जो उम्र है, दोनों की उम्र सेम है। अब समझते हैं बेटा बात को, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा ना हम कहें pregnancy and the CL of the cycle have similar lives, okay? Therefore, under normal conditions, the CL is long lived. CL की उम्र बड़ी है, यानी जब तक gestation अपना डाईस्ट्रस रहता है तब तक CL रहता है, और जब तक gestation रहती है उसमें तो वैसे भी CL रहता है, ठीक है? And the queen that has been bred, वो queen, क्योंकि हमें पता है क्वीन इज एन इंड्यूस्ड ओविलेटर, क्वीन में ओविलेशन तब तक नहीं होती जब तक वो कॉपुलेशन ना करे, मेटिंग ना हो। इन द क्वीन दैट हैज बीन ब्रेड अ CL फॉर्म्स, एक CL बनता है एंड द ड्यूरेशन इज द सेम, और उस CL की ड्यूरेशन वही होती है जो नॉर्मल गेस्टेशन, यानी अबाउट 60 डेज। सो For all, because of all these reasons, MRP does not require a signal from the conceptors. इन सारी वजूहात की वजह से MRP को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी सिग्नल की, क्योंकि CL रहता है, ठीक है, CL टूटता ही नहीं। जी लास्ट लास्ट लास्ट
regardless of whether or no specific pregnancy recognition signals are provided, progesterone, यानी इसको छोड़ छाड़ के, ठीक है, इसको छोड़ छाड़ के कंसेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ द बेबी, यानी इन द ब्लड ऑफ मदर, इज नेसेसरी मस्ट बी मेंटेन्ड सफिशिएंटली एट अ हाई कंसेंट्रेशन सो दैट द कंसेप्ट्स विल ग्रो एंड डेवलप. Thank you very much.